जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसे दबा के सब्सक्राइब बिल्कुल ले, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नए साल में बिजली कंपनियों को शिवराज सरकार का तोहफा पत्र जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, नए साल में प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली कंपनियों को तोहफा दिया। सरकार ने बिजली कंपनियों को एमपी में अपने थाने खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अब बिजली कंपनियां खुद की पुलिस से रख सकेगी। इससे बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। अभी बिजली चोरी के मामलों में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। जी हां दोस्तों, दरअसल जब भी बिजली चोरी की घटना या फिर कर्मचारियों पर हमले होते हैं, कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी। एक साल से बिजली कंपनियां इसकी मांग कर रही थी, जिसे शिवराज सरकार ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में तीनों कंपनियां मध्य पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को पत्र लिखा है। अब ये बिजली पुलिस बिजली चोरों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करेगी। फिर बिगड़ने लगा मौसम का मिजाज, कई कई ओलावृष्टि के आसार। जी हां दोस्तों, एक साथ तीन वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने लगा है। हवा का रुख बदलने से जहां प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड से राहत मिली है, वही नमी बढ़ने से बादल छाने लगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगी है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक अभी दो तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के असर है। 7 जनवरी के आसपास एक बार फिर हवा का रुख उतरी होने से ठंड का एक और दौर शुरू होने के असर है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि एक शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास सक्रिय है। इसके प्रभाव से एक प्रेरित चक्रवात दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है। इस सिस्टम के कारण हवा का रुख बदल गया है। विशेषकर इस समय उत्तरी हवाएं नहीं आ रही है। उधर अरब सागर से गुजरात से होकर राजस्थान तक एक धुरी का लाइन बनी हुई है। इस सिस्टम के कारण पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का टकराव भी हो रहा है। अरब सागर से मिल रही नमी के कारण राजधानी सहित प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में कई कई बरसात होने के असर बने। इसी क्रम में शनिवार को ग्वालियर में बारिश हुई है। शुक्ला के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज बुधवार तक बना रहने की संभावना है। इस दौरान कई कई ओले भी गिर सकते हैं। 7 जनवरी से कम होने लगेगा तापमान। जी हां दोस्तों, शुक्ला के मुताबिक दो दिन में पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने की संभावना है। उसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। 7 जनवरी के आसपास मौसम साफ होने लगेगा, साथ ही हवा का रुख भी उत्तरी होने लगेगा। सर्द हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड का दौर शुरू होने लगेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को दिलाई मंत्री पद की शपथ। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक, साबिर विधायक तुलसीराम सिलावट और सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में दोनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शिवराज सरकार में दोनों विधायक दूसरी बार मंत्री बने। इसके पहले वर्ष 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ सरकार में दोनों को मंत्री पद मिला था। सिलावट और राजपूत कमलनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री थे। मार्च में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार बनी, उसमें भी दोनों मंत्री रहे। विधानसभा उपचुनाव से पहले गैर विधायक के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा होने के कारण 21 अक्टूबर को दोनों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। मंत्रिमंडल के फिलहाल 4 पद और खाली हैं। जी दोस्तों, उपचुनाव में भारी मतों से जीत के बाद से दोनों के जल्द मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे। ये भी संभव है कि दोनों को फिर से पुराने विभाग ही मिले। उपचुनाव से पहले सिलावट शिवराज मंत्रिमंडल में जल संसाधन और राजपूत परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोनों मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि जल्दी जल्दी चुनाव जीत रहे हो, जल्दी जल्दी मंत्री बन रहे हो। योजना हो गई बंद, अब तक नहीं मिला हितग्राहियों को लाभ, गुस्से में किसान। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है, एक तरफ जहां पूरे देश में नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन किया जा रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों का कहना है कि प्रदेश के किसान संतुष्ट है, उन्हें प्रदेश में उचित सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इन सबके बीच लगातार किसान अपनी समस्याओं को लेकर उग्र हो रहे, ऐसा ही एक मामला इंदौर जिले में सामने आया है। जी हां दोस्तों, दरअसल किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलने के लिए राज्य सरकार द्वारा भवंतर योजना शुरू की गई थी, जिसके बाद इस योजना के तहत प्याज की खरीदी की गई है। लेकिन किसानों की समस्या के 2 साल के बाद भी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कई ऐसे किसान हैं जिन्हें इसी योजना की राशि अभी तक अदा नहीं की गई। वही किसानों के नागे इस मामले को लेकर लगातार किसान मंडी के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद अब इस मामले में भारतीय किसान मजदूर सेना 4 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी।
पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों को सरकार 20,000 रुपए देगी। ये राशि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाएगी। हर जिले के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी तक कलेक्टर कार्यालय स्थित अनुसूचित जाति विकास विभाग के दफ्तर कक्ष क्रमांक 214 में आवेदन करना होगा। जो प्रतिभागी दूसरी बार चयनित हुए उन्हें आधी राशि 10,000 रुपए ही मिलेगी। इस राशि को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करवानी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, रंगीन फोटो और हायर सेकेंडरी या स्नातक की अंक सूची भी देना होगी। जो प्रतिभागी पहले से किसी नौकरी में है उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। इस फैसले पर उठे सवाल, कमलनाथ बोले अजब गजब है शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसी बीच सरकार ने प्रदेश में राजधानी भोपाल को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर कोविड केयर सेंटरों को बंद कर दिया गया है। ये सेंटर ऐसे हैं जिन्हें मामूली लक्षणों वाले संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए बनाया गया था। सरकार का ये फैसला विवादों में आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार कोविड सेंटर बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि देश में कोरोना से मौतें जारी, संक्रमण का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विधानसभा का सत्र कोरोना के वजह से निरस्त और शिवराज सरकार ने भोपाल को छोड़कर प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटर बंद किए। शिवराज सरकार अजब है गजब है। पूर्व सीएम ने अगले ट्वीट में लिखा कि एक तरफ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लंबे चौड़े भाषण और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए जांच एजेंसियों को अब सरकार से अनुमति लेना आवश्यक। शिवराज सरकार के दोहरे चरित्र के ये उदाहरण। शिवराज सरकार अजब है गजब है। मिड डे मील मेन्यू में बदलाव, हिदुराई बच्चे होंगे लव अनवित। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें शासकीय स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिड डे मील को पौष्टिक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नए साल के साथ ही अब मध्याह्न भोजन में मेन्यू में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द इन बदली हुई सामग्री को लाभ शासकीय स्कूल के हिदुराई बच्चों को होगा। जी हां दोस्तों, दरअसल नए साल में सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन की सामग्री को बदलाव किया गया है। जिले में प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए गेहूं और चावल के साथ तुअर की दाल और सोयाबीन तेल भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर सामग्री पहुंचा दी गई है, जिसे जल्द ही इदुराई बच्चों को वितरित किया जाने लगेगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत तुअर की दाल और सोयाबीन के तेल प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक बच्चे को 73 दिन के लिए 2 किलो तुअर दाल और 525 ग्राम सोयाबीन तेल दिया जाएगा। इसी तरह मिडिल स्कूल के एक बच्चे को 73 दिन के लिए 3 किलो तुअर की दाल और 783 ग्राम सोयाबीन का तेल उपलब्ध करवाए जाएंगे। पत्थरबाजों के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त हुए तेवर, कहा छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह के दौरान निकाली गई रैली पर पत्थरबाजी वाली घटना की निंदा करते हुए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज समाज के दुश्मन है या कोई भी हो, पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है। कहीं से भी उठा लो और पत्थर दे दिया, उससे लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उससे बे और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मस्ती है, अव्यवस्था होती है। जी हां दोस्तों, आगे सीएम शिवराज कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, पर अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पादी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी को दुकान में आग लगा दी, किसी के यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, ये अक्षम्य अपराध है। लाडली लक्ष्मी योजना में अभी तक 37 लाख से ज्यादा बालिका लाभान्वित। जी हां दोस्तों, प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। जी हां दोस्तों, इस योजना के प्रारंभ से दिसंबर 2020 तक लगभग 37,63,735 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 2,28,283 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत किया गया।
ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी राशि। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान कक्षा छठी प्रवेश पर 2000 रुपए, कक्षा नवीन प्रवेश पर 4000 रुपए, कक्षा ग्यारहवीं प्रवेश पर 6000 रुपए, कक्षा बारहवीं प्रवेश पर 6000 रुपए ई पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि, बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु होने के पहले नहीं होने और कक्षा बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय।